बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आइए पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं। इस चैप्टर में बच्चों आप पढ़ेंगे कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो बहुत सारी अपनी लाइफ में एक्टिविटीज करते हैं अपने अर्थ पे सर्वाइवल के लिए, जैसे कि सबके सब खाना खाते हैं, वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मूव करते हैं, वेरियस स्टिमुलीज को रिस्पॉन्ड करते हैं और ग्रो करते हैं। इन सब एक्टिविटीज के लिए लाइफ प्रोसेसेस इनको बोलते हैं। एंड दे रिक्वायर एनर्जी कंटिन्यूअसली, जब चाहे वो रेस्ट में भी होते हैं तब भी उनको एनर्जी चाहिए होती है। और ये एनर्जी का जो कंटिन्यूअस सप्लाई है ये फूड से मिलता है। तो बिसाइड्स प्रोवाइडिंग एनर्जी, फूड जो है वो विच वी ईट गिव अस द मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज बॉडी पार्ट्स। तो प्लांट्स सनलाइट को यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, एनर्जी जो सनलाइट की है, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एयर में। ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खाने पर डिपेंड होते हैं जो प्लांट्स द्वारा बनाया जाता है। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस जो है कॉमनली कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन जो है वर्ड वो न्यूट्रिएंट से डिराइव हुआ है। न्यूट्रिएंट एक सब्सटेंस है जो कि एक ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया जाता है इसकी सराउंडिंग से एनर्जी ड्राइव करने के लिए और मटेरियल्स की ग्रोथ के लिए। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है इनटेक करने का न्यूट्रिएंट्स को और उसे यूटिलाइज करने का एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा। अब हम मॉडल्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे प्लांट्स में। तो बहुत सारे तरह के प्लांट्स हैं हमारी अर्थ पे, अलग अलग तरह के प्लांट्स को अलग अलग तरह के खाने की जरूरत होती है। तो दो टाइप के मेनली न्यूट्रिशन पाए जाते हैं प्लांट्स में, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, हमने देखा है कि एनिमल्स और ह्यूमंस जो होते हैं वो खाना खाते हैं, बट क्या आपको मतलब हैव यू वंडर्ड हाउ प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड? तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं एक्चुअली वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटरोट्रॉफ्स होते हैं जितने भी तरह के एनिमल्स हैं, बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, टोटल पैरासिटिक प्लांट्स हैं, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से एनर्जी लेते हैं और वो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं अपने खाने की तरह। कुछ जो होते हैं वो प्लांट्स पर फीड करते हैं, कुछ जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को फीड करते हैं, और कुछ हैं जो दोनों को फीड करते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। और कुछ जैसे कि टोटल पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं वो दूसरे प्लांट्स पर रहते हैं। तो इस तरह सभी तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो न्यूट्रिशन को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फीड करते हैं, उन्हें हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं जैसे कि फंगी है जो अपना न्यूट्रिशन डेड या डिके मैटर से लेता है, उनको सेप्रोफाइट बोलते हैं। वो उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है अपना खाना बनाने के लिए, मशरूम एक फंगी का एग्जाम्पल है। इसके बाद सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होते हैं। तो फंगी एक सेप्रोफाइट है जो क्योंकि वो दूसरे दे ग्रो ऑन वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। तो आपको पता चलेगा कि एक जहाँ पर एक डैम्प पीस ऑफ लेदर का मतलब लेदर का टुकड़ा पड़ा हो या कॉटन के कपड़े या पके हुए फल अचार ये सब होते हैं बरसात के दिनों में, वहां पर ये होते हैं। तो आइए ये ऑर्गेनिज्म कैसे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सेप्रोफाइट्स जो होते हैं डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल पे जिसपे वो ग्रो करते हैं, और ये डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं सब स्मॉल सब्सटेंस में और उसको एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, और ये सेप्रोफाइट इस सॉल्यूशन को अब्सॉर्ब करते हैं और अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं इनसे। फंगी जो होता है वो सॉइल में रहता है जो कि डिकिंग प्लांट और एनिमल मैटर्स से फीड करता है, और इस प्रोसेस में बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस रिलीज होते हैं मिट्टी में, और ये सब्सटेंस ज्यादातर जो है इनमें से वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं। दे आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि रिटर्न टू द सॉइल इस तरह से वापस मिट्टी में आ जाते हैं और प्लांट्स उनको फिर अब्सॉर्ब करते हैं। अब लीचेस हेल्प ऑर्गेनिजम्स शेयर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। तो लीचेस जो होते हैं वो मोस्ट अमेजिंग फॉर्म ऑफ लाइफ है। लीचेन एक्चुअली दो पार्ट से कंपोज होता है, मेनली तीन डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म। तो एक तरह का होता है फंगस का एक टाइप है, अदर इज यूजुअली एन एल्गे, एंड समटाइम्स इसमें एक फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरियम भी होता है। तो एक अमेजिंग एसोसिएशन में एल्गे जो है वो क्लोरोफिल होते हैं उसमें जो कि अपना खाना खुद बनाता है, फंगस जो है उस खाने को शेयर करता है जो एल्गे ने बनाया, और फंगस जो है वो पानी और मिनरल्स जो है वो एल्गे
उसको प्रोटेक्ट करता है और उस एल्गे को वाटर एंड मिनरल देता है। तो इस तरह से एक रिलेशनशिप हो जाती है और दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, जिसका जहां पर दोनों का फायदा होता है, इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। फिर फोटोसिंथेसिस होती है, लीव्स जो होती हैं प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज कही जाती हैं, और वो अपना खाना खुद बनाती हैं। खाना बनाने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन होती है प्लांट सेल्स में, और फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस जैसे CO2 और वाटर है, CO2 का कम कंसंट्रेशन और H2O जो है वो फोटोसिंथेसिस की रेट को कम करता है। दूसरा लाइट, एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस तो जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो भी बढ़ जाती है। टेम्परेचर, टेम्परेचर जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन अफेक्ट्स द डार्क रिएक्शन मार्केटली। फिर दूसरे फैक्टर्स हैं बिसाइड दीज फैक्टर, क्लोरोफिल लेवल जो है लीफ में वो कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर लीफ का कैसा है। फिर प्लांट्स यूज ग्लूकोज टू ऑब्टेन एनर्जी, तो जितने सब तरह के लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट हैं, उनको ग्रोथ के लिए, मूवमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और जब एक प्लांट को एनर्जी चाहिए होती है तो वो ग्लूकोज को ऑक्सीजन की हेल्प से ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम इट। लीव्स, फोटोसिंथेसिस जो होती है वो लीव्स की सेल में होता है, और प्लांट की लीव्स जो होती है इस तरह से ऑरेंज रहती हैं कि उनमें दे आर एबल टू ट्रैप द सनलाइट। जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जो कि प्लांट सेल के अंदर होते हैं, जिसमें कि ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है जो उसके ऊपर पड़ती है, और फिर प्लांट के लिए खाना बनाता है। प्लांट्स रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर फूड, तो प्लांट्स जो होता है उसे लाइट चाहिए होती है खाना बनाने के लिए। फोटोसिंथेसिस वो आर्टिफिशियल लाइट में भी कर सकते हैं। क्लोरोफिल जो होता है लीव्स का वो लाइट को कैप्चर करता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो एयर जो होती है लीव्स के थ्रू पोर्स में चली जाती है स्टोमेटा में, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एयर में प्रेजेंट होती है और वो प्लांट द्वारा यूज कर ली जाती है। पानी जो होता है वो जड़ों से लीफ तक पहुंच जाता है एंड दिस ट्यूब्स के थ्रू पहुंचता है, उन्हें जाइलम बंडल्स बोलते हैं। और ये जाइलम बंडल्स जो होते हैं कंटिन्यूअस ट्यूब्स का नेटवर्क होते हैं फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम ब्रांचेस एंड लीव्स। अब ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, ये सनलाइट और क्लोरोफिल की कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। फिर सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा, कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर और स्टार्च, प्लांट्स ऑल्सो नीड प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स बनाने के लिए प्लांट्स को नाइट्रोजनियस सब्सटेंस की जरूरत होती है। नाइट्रोजन हवा में होती है लेकिन प्लांट उनको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, प्लांट उनको नाइट्रोजनियस सब्सटेंस मिट्टी में जो प्रेजेंट होता है, पानी के में जो सोल्यूबिल है उसमें, उससे एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक गुड अमाउंट ऑफ इस तरह के जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है आर मेड बाय द बैक्टीरिया, जिसको राइजोबियम बोलते हैं, और वो प्लांट्स की रूट्स में होते हैं जैसे चना, पीज, मूंग और सोयाबीन। ये बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन का लेते हैं और उसको वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद प्लांट न्यूट्रिएंट गेट रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, प्लांट्स को नाइट्रोजनस सब्सटेंस की जरूरत होती है और मिनरल्स की भी जरूरत होती है ग्रो होने के लिए। नेचुरल कंडीशंस में जब प्लांट और एनिमल मरते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं मिट्टी में, एंड ये न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यू में मिक्स होकर, मिट्टी में मिक्स होकर के पहुंच जाते हैं, जिससे सॉइल फर्टाइल हो जाती है। पैरासिटिक एंड कार्निवोरस प्लांट्स, तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं उनके फूड और वाटर के लिए। इस तरह के प्लांट को पैरासिटिक प्लांट बोलते हैं। तो प्लांट ऑन विच पैरासिटिक प्लांट ग्रो, इसको होस्ट प्लांट बोलते हैं। और पैरासिटिक प्लांट हैव स्पेशलाइज्ड रूट जो कि होस्ट प्लांट को पेनिट्रेट करते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स और पानी को इससे ले लेते हैं। तो पैरासिटिक प्लांट जो होता है वो डैमेज करता है होस्ट प्लांट को, एंड मिस्टलो एंड मिस्टलेटू और कसूटा ये पैरासिटिक प्लांट है। कसकुटा प्लांट जो है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, वो पूरी तरह से खाने और पानी के लिए होस्ट प्लांट पर डिपेंड होता है, इसलिए इनको टोटल पैरासाइट बोलते हैं, और दे किल द प्लांट ऑन विच दे ग्रो। इसके बाद मिस्टलेटो एक कॉमन पैरासिटिक प्लांट है जो कि पेड़ों पर उगता है, जैसे आम के, टीक के और चीकू के पेड़ पर।
और ये एक टोटल पैरासाइट नहीं है, इसमें क्लोरोफिल होता है और ये अपना खाना खुद बना सकता है, लेकिन वो होस्ट प्लांट पर डिपेंड होता है पानी और कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए। इसके बाद कार्निवोरस प्लांट जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप है, पिचर प्लांट है, ये जो होते हैं सॉइल में ग्रो होते हैं एंड दे डू नॉट हैव इनफ मिनरल। तो इस तरह के प्लांट जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को ऑब्टेन करके उनकी बॉडी से मिनरल्स लेते हैं। थैंक यू।